जिन्होंने कमजोर होकर के आज ऑर्गेनाइज किया है और ये दिखाया है। अभी हमारी सचिवालय जी कह रही थी कि समाजवादी का जलवा देखे फिरोज भाई, अगर वर्कर सही मायने के अंदर किसी पार्टी के पास है तो ये तो बहुत आसान बैठी भी चाहे तो जिले को अलग अलग करके रखते। हम जिले के लोग हैं, हम जिले के लिए जिम्मेदार हैं और हमने यहाँ पहले भी दिखाया है गठबंधन में जाकर के हमने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई है कि यहाँ से अगर पार्टी आवाज उठ रही है तो वो किसी बसपा वसपा की नहीं, वो तुम्हारी जाता था मेरे दोस्तों उधर को। और मैं यहाँ से ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी को मुकाबला हो यह तुम्हारी ताकत की जो मुलकर के बात हो गई और अगर ये समाजवादी का अगर ये सारी की सारी ताकत साथ ना होगी तो हम चोर सुनते हैं बसपा का टिकट 12 करोड़ में आ गया, जरा साइड को हटना 12 रुपए में टिकट नहीं बिकेगा इतना बता रहा हूँ। तुम्हारी ताकत देगा तो जीत करके दे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों आज अलहमदुल्ला आज मौका आ गया, सियासत इसलिए नहीं हुआ करता कि हमें हुकूमत कायम करनी है, सियासत का सही मायनों के अंदर ये निजाम नहीं हुआ करता कि मुझे पैसा कमाना है। हमारा जुनून न पैसा कमाना ना कारोबार ना कोई और की बात है, हमारा तो जुनून ही है कि हक और इंसाफ की बात हो जाए। आज अभी अभी जिक्र हो रहा था वहां पर एक तरीके से पीड़िता को मार दिया गया, जिस तरीके से वहां पर खूनी हुई सभी को लेकर और वहां पर बजाय इसके किसके अंदर कोई एक्शन हो, बजाय इसके अंदर गरीबों को उनकी जमीन दी जाए, एक बड़ा घटिया सा स्टेटमेंट आ जाता है कि तो 70 साल पहले पता नहीं किस किस की गमियां थी जिस वजह से आज यहां पर कदम आम हो गया जमीनों को लेकर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात हो जाए कि फिल्म अंदाज के अंदर लड़कों को लेकर के एक पीढ़ी का उसका बड़ा दान किया गया उसके बाद पर भी खेल में मार दिया जाए और आज जब उसका घर खत्म खुद भी जिंदगी की सांस के लिए वो सकती है आज 25 लाख दे दिए गए उसको 25 लाख का परिवार लेकर के जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गो ये बड़े सोचने का मकाम है, अगर हम इन चीज में भी हम नहीं बोलेंगे हमारा तो बड़ा बड़ा परेशान होता है। हम खेत भी गौर से देखते हैं एक किसान आत्महत्या कर रहा है और जब हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जिसने एक नजीर कायम कर दी, जिसने किसानों को उठा करके आसमान में पहुंचा दिया वो सीसीटीवी का मालिक कोई बिजनेसमैन कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी नहीं था, सिद्धार्थ जिसने भी नहर के अंदर कूद करके जान दी वो आदमी था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। उस इलाके के अंदर कॉफी की खेती बहुत होती है, उसने पूरे इलाके के किसान को संगठित करके कॉफी को एक ऐसे रोग में पहुंचा दिया कि हर किसान की वाह वाह हो गई, हर किसान के अंदर खुशहाली आ गई। और मेरे गरीब किसान को भरना पड़े और किसान को कहीं ना कहीं पहुंचाने वाला कॉर्पोरेट का मालिक सीसीटीवी के मालिक को जान देनी पड़े तो यह चीज दुश्वारी का दौर है। आज जब समाजवादी खामोश हो जाएगा तो फिर समाज के अंदर परिवर्तन आने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग इन तमाम सवाल को लेकर बहुत कम है, मैं अपने अध्यक्ष की बात आपको नहीं करना चाहता, दिल को चाहता हूं बोलूं और यहां से मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को भी यह संदेश देना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान एक सेक्युलर व्यवस्था का हिंदुस्तान है। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, उठो और ये तय करो कि हमें आपस में लड़ना नहीं है। अगर सियासी मुसलमान के खिलाफ है तो मैं उम्मीद करता हूं महेंद्र से, सुरेंद्र से, अमरिंदर से, राजेंद्र से क्या कहे कुर्बानी देंगे अपने मुसलमान भाई के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं मकान से लिखा कि मजहब समाज के नशे का नाम है। लोगों ने कहा काल मार्क्स तो मजहब के बहुत खिलाफ है, ये तो खुदा के खिलाफ वर्जी करता है, ये तो भगवानों का विरोधी है। लेकिन जब काल मार्क्स ने लिखा कि मजहब सही मायनों में तमाम के जनता के नशे का नाम है तो वो मजहब पर कटाक्ष नहीं कर रहे थे, वो धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहे थे, वो सही मायनों में धर्म के इस्तेमाल के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। आज हिंदू और मुसलमान ऐसे ही कुछ नशे के अंदर मुबतला है मेरे दोस्तों बुजुर्गो, और याद रखिए ये धर्म का वो खतरनाक सुल्फा है तुम्हारे मेरे दरमियान हिंदुस्तान में भी जागेगी, भारतीय जब भी जागेगी और फिर उस वक्त ये पता चलेगा कि ये जो धर्म का मैंने नशा किया इसने मेरे देश को कितना बड़ा नुकसान दे दिया। आपने देखा कभी सुलभैया को, अगर सुलभैया सुल्फा मार ले और उसको नशा हो जाए तो ना तो उसे ये पता रहता कि मुझे 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, ना उसे ये पता रहता कि मेरे जिस्म में कीड़े पड़ गए मैं नहाया नहीं हूं, ना अपनी दशा का ख्याल रहता, ना ये पता रहता कि मैं बीमार हूं मुझे दवाई भी चाहिए, और जब उसका नशा उतरने लगे तो वो कहता
होता है उसकी एक ही जरूरत होती है कि होश आ रही है, उसे लगता है कि उसे एक और कोई कष्ट मिल जाए, एक और सिगरेट सुल्फा फटके दे दो, उसने फिर दम मारा, फिर नशे में फिर अगले तीन दिन नहीं पता कि उसकी दशा क्या है। मेरे दोस्त बुजुर्गो, हमें धर्म का कुछ ऐसा ही नशा दिलाया जा रहा है, न जाने किस किसान के अंदर मरते हुए किसान को दर्दनाक किया जा रहा है, न जाने किस किसान के अंदर तबाह हो गए नौजवान को दर्दनाक किया जा रहा है, न जाने किस किसान के अंदर ये मेरे लिए भाई नहीं बैठे हुए हैं। आज दुकानें जो है गल्ला खत्म है, गल्ला खोल के देखते हैं तो दिल भर जाता है। आज बता रही है कि इस जो हमारा धर्म का नशा है इससे बाहर आए, इस रूप में जलाना है, आज ये भुगतना है, आज ये भारत का भुगतती है, आज ये मेरा मुल्क भुगतता है। और अभी देखता है मेरे दोस्तों बुजुर्गो, उठो खड़े हो, इंसान बनो, भारतीय बनो, तय कर लो ये हिंदुस्तान 70 साल हम निकाल करके लाए हैं, इस हिंदुस्तान को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जब रहेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गो, जब मेरे घरों में मेरी जेब के अंदर पैसा रहेगा, मेरा कारोबार मेरी खेती मेरी किसानी चलनी जरूरी है। मेरे दोस्तों हर महीने की पहली तारीख आ जाती है, बच्चे की फीस जो भी है वो लेने वो पैसे से अदा होगी, वो धर्म की नशे से अदा नहीं होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, बीमार का इलाज बकाया है, उसका इलाज भी जोर करने की जरूरत है, वो सुधरे के नशे से पूरा नहीं होगा, मेरी बच्ची की शादी होनी जरूरी है, न जाने कहां कहां पर कैसे कैसे चीजें। आओ वापस इंसानियत के दौर में चले, आओ उस नशे से बाहर निकले, आओ समाज में कैसे लोगों समझे, आओ रेत की कुर्बानियों को जाने, उठो उन लाओ के लिए भी हक चाहिए हमें, और हमें उस रेत की पीने के लिए भी हक चाहिए, उठो हमें किसान का भी वजूद चाहिए। और ये यहाँ बैठे बैठे अपने कारोबारी दुकान में मरम्मतियां मार रहे, इनके घरों में खुशा जाने का भी मजा आ रहा है। दोस्तों करके खड़े हो जाओ, सचिवालय जी ने कह दिया जिस पार्टी के पास दिन भर घर हो उसे घबराने की जरूरत नहीं, इंकलाब लाने की तादाद है और तुम्हारी भी तादाद है। मैंने फिर कहा तुम्हारी हिस्सेदारी कोई ले नहीं सकता, ये जो 12-12 करोड़ टिकट देते हैं थोड़ा सा साइड में हो, इनका टिकट 12 रुपए में नहीं बिकना, सारी तुम्हारी ताकत है, अपनी पार्टी मजबूत कीजिए। जय हिंदुस्तान, जय समाजवाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों।